गाइस, आई एम दीप चूरी, आई एम बैक अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। सो कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक एंड सेफ होंगे। सो अभी मुझे कुछ सुबह के 8 बजे एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल करके जस्ट उठाया है, बिकॉज आज हम लोग जाने वाले हैं वाटरफॉल के एंड एक्सप्लोर करेंगे नेचर को। एंड अभी चल रहा है मानसून सीजन, तो आपको पता है कितने लोग पागल हो जाते हैं ऐसी जगह पर जाने के लिए। तो चलो, मानसून का पहला ट्रैकिंग है अपना, ट्रैकिंग नहीं है मतलब पहली जगह जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कुछ दोस्त है मेरे साथ जिनसे मैं आपको आगे मिलाऊंगा। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग रेडी होते हैं, फिर मिलते हैं आपको। बाल भी ख़राब है यार, कपड़े भी चेंज करने हैं। तो लाइक अरे मेरे कैमरा पे क्या धूल लगी है, धूल। ओके सो हो गया हम लोग यहाँ पे रेडी एंड अभी चलते फटाक से। कुछ भी प्लान नहीं है आगे क्या होने वाला है, बस वाटरफॉल का प्लान है, बट आगे भी बढ़ सकते हैं हमारा। सो वीडियो में आपको पता ही चलेगा एंड वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में मैं लोकेशन भी दूंगा जिस जिस जगह पे जाएंगे, ताकि आप भी वहाँ पे जा सको। तो चलते हैं जल्दी से। लोग जाने वाले हैं पहले दोधाड़ी वाटरफॉल, लाइक बहुत लोगों को पता है, बट जिसको भी पता नहीं है तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि आप वहाँ पे शोर जाने वाले हो ये वीडियो देखने के बाद। बिकॉज वो ऐसी प्लेस है ना एकदम नज़दीक, एंड आपको मिनी वाटरफॉल मिल जाता है। जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वो वहाँ पे मिनी वाटरफॉल है, लाइक आप जाके आपको पता चलेगा। वहाँ पे रिस्क भी बिल्कुल कम है, साथ में मज़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो बैग में थोड़ा सा सामान है, लाइक अपने स्पीकर्स पावर बैंक और थोड़े से कपड़े लिए मैंने, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग भी करने वाले हैं। बहुत लोगों को मानसून सीजन पसंद नहीं होता, वो घर पे पड़े रहते सोते, और एक हम लोग की तरह होते जो सुबह उठ के जाते हैं एंड वीडियोज़ बनाते। तो अभी जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, निकलते हैं। तो अभी डीमार्ट आया था कुछ चिप्स लेने के लिए, लेके चलता हूँ। थोड़ी लेट है बहुत ज़्यादा, इसको करते हैं पैक। ये देखो बॉयज, बॉयज स्पॉटेड। 10 बजे निकलने, हम लोग कितने बजे निकलने वाले थे भूल गया मैं, 9 बजे। और हम लोग ही कुछ 9:30 बजे आए, और अभी हमारे मेंबर आ रहे हैं पीछे। तो हमेशा चलता है यही, तो इसका ही तो मज़ा है। तो फाइनली हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे पार्किंग करनी है। आप पूरा अंदर तक नहीं लेके जा सकते गाड़ी को, इसलिए यहाँ पे पार्क करना पड़ेगा। और गूगल मैप के हिसाब से आप परफेक्टली आ सकते हो, मतलब गूगल मैप धोखा नहीं देगा यहाँ पे आपको। यहाँ पे आने के बहुत से रूट है, आप कौन से भी रूट से आओगे तो आपको ये लोकेशन मिलेगा। एंड यहाँ पे एक दुकान, तो ये लैंडमार्क एकदम याद रखना, जैसे यहाँ पे एक दुकान है एंड हम लोग ने वहाँ पे पार्क किया है उनकी परमिशन लेके। तो आप भी परमिशन लेके पार्क करना, देन आपको यहाँ से सीधा रास्ता मिलेगा, और यहाँ से आपको थोड़ा सा करना है ट्रैक, ठीक है? तो ट्रैकिंग के हिसाब से आना, क्योंकि अभी बारिश में आप देख ही रहे हो कितना कीचड़ है। ज़्यादा ट्रैक नहीं है, 15-20 मिनट्स का ट्रैक है, तो चढ़ते अभी ऊपर। नीचे जगह है नहाने की, ऊपर देख सकते हो बंदा वहां से फिसला ना, इधर नहीं इधर जाएगा। अपनी सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान रखो, बिकॉज ऐसी जगह पे ना हादसे बहुत होते रहते हैं हर साल,
हर महीने। तो ऐसी जगह पे जब आप आते हो घूमने के लिए, ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, आपको होना है बट उतना ही ध्यान भी रखना आपको उस चीज़ का। मतलब ये देखिए बहुत ही गंदा लगता है कि ऐसे अच्छे जगहों पे इतना कचरा करके आते लोग, और ये सब टूरिस्ट लोगों ने किया है। लाइक समझ में आ रहा है, ठंडे के बॉटल्स, चिप्स के पैकेट्स, साथ में यहाँ पर अल्कोहल भी कंज्यूम किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली सब स्ट्रिक करना चाहिए, इन्हें सब बंद करना चाहिए लोकल लोगों ने। वाले बड़े वाटरफॉल में हम लोग गए भी नहीं है, ऊपर ही है बस, क्योंकि यहाँ पे कोई था नहीं और हम लोग को पिक लेने थे और वीडियो बनाना था, इसलिए पहले हम लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो दिस इज द बिगेस्ट वाटरफॉल पीछे हमारे। तो अभी जस्ट मैं वाटरफॉल से निकल चुका हूँ और वहाँ पे मैंने चेंज भी नहीं किया, डायरेक्ट ही बैग लिया भाई और आ गया बाहर, बिकॉज वहाँ पे इतने डेंजर मच्छर थे मतलब, और वो भी पूरे ग्रुप के साथ अटैक करते भाई, मतलब हद है। मैंने शॉर्ट्स पहना था और चारों ओर से काट रहे, बस काट रहे, मारो तो भी नहीं मर रहे, मच्छर ही नहीं, अलग ही कुछ प्रजाति थी इतनी बड़ी, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इरीटेट करती यार। ऐसे जंगलों में यही प्रॉब्लम होता है कीड़े मकोड़ों से, और अभी बारिश के टाइम तो मच्छर वच्छर की जो पॉपुलरिटी वो बढ़ी जाती है, तो इसलिए फटाक से निकल के वहाँ से, और अभी यहाँ पे थोड़ी शांति मिल रही है। नहीं वापस दलदल पार करना पड़ेगा सेफली। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये ध्यान बिल्कुल रखना कि फुल पहन के आओ, फुल मतलब फुल कंपलसरी फुल पहन के आओ गाइस, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत मेरे ये टिप है ना, ये टिप नोट कर लो आप, और फुल पहन के आओ, बहुत फ़ायदा होगा आपको, बिकॉज मच्छर जो है वो छोड़ेंगे नहीं। मच्छर थे इस टाइप के, कीड़ा मरते भी नहीं साले, पकड़ लिया, एक हाथ में आ गया, भाग जा रहे थे, और हम लोग को प्यारे प्यारे पपीज़ मिल गए यहाँ पे, तो हम लोग रुक गए और उनको थोड़ा सा खाने देते अभी, बहुत प्यारे। अरे खा ले, ओए एक ही डॉग खा रहा है मेरे,
जाते टाइम हम लोग बागोबा वाले रोड से जा रहे थे, जो पहाड़ वाला घाट वाला, तो यहाँ पे देख सकते हो आप बड़ा सा वाटरफॉल होता है एंड यहाँ पे बहुत लोग रुकते हैं, लाइक बहुत लोग रुके ऑलरेडी यहाँ पे, क्योंकि ये रोड पे ही लगता है, मेन रोड पे लगता है, इसलिए बहुत लोग रुकते हैं। साथ में यहाँ पे बंदर भी होते हैं। बाल भी भीगे थे और कपड़े भी भीगे, तो गर्म गर्म पीने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो आई होप आपने वीडियो एंड तक देखी होगी एंड मुझे कमेंट करो ये वीडियो कैसी लगी आपको। साथ में अगर आपको मॉनसून सीजन में क्या देखना ज़्यादा पसंद रहेगा ये भी मुझे कमेंट करो, तो मैं ट्राई करूँगा वो अपने चैनल पर लाने के लिए। एंड अपने अगर बोसर पालघर है अपने एरिया में कहीं पर भी आपको कोई प्लेस, खास प्लेस अगर देखनी है मेरे चैनल पर, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। सो बस वही अभी और कमेंट पीते हैं और शुक्रिया। और मिलते किसी नई वीडियो में, फिर बाय।